जय हिंद सर। जय हिंद। हमें आपसे नए केस के बारे में बात करनी है। सर आपने गलती से गलत नंबर डायल कर दिया है, हम करिश्मा सिंह बोल रहे हैं। नए केस के बारे में बात तो आप मैडम सर से ही करेंगे, हम उनको कह देते हैं आपको कॉल बैक कर लेंगे। अरे हम सब जानते हैं, हमें आपसे ही बात करनी है, हमने सही जगह पे फोन लगाया है। एक नया केस आपको देना है जिसे आप ही सॉल्व करेंगी। क्या बात कर रहे हैं सर, ये केस हमको दिया जा रहा है। बताइए सर क्या केस है। आजकल ये लहसुन की चटनी में मिलावट बहुत है। ये केस है सर, ये लहसुन की चटनी में मिलावट कौन कर रहा है हमें ये पता लगाना है सर। ऐसी बात नहीं है, वो क्या है कि ये बंधु हैं जो जिनकी ड्यूटी लगी है यहाँ पे, तो ये समोसा और चटनी लेकर आए हैं लहसुन की ना, तो वही हम कह रहे हैं कि लहसुन की चटनी में मिलावट बहुत है। अरे भाई ये चटनी लेके जाओ, कोई और चटनी लेकर आओ। तो हम क्या कर रहे, हम ये कह रहे थे कि ये केस हम आपको दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस केस में जज्बात की कोई गुंजाइश नहीं है। इस केस को आप जैसा टफ, सख्त और मजबूत ऑफिसर ही हैंडल कर सकता है। सर आप केस बताइए हमको बस। जीपीएल क्रिकेट में इल्लीगल बैटिंग चल रही है जिसके नक्सल्स को हमें खत्म करना है। इन्फॉर्मर से इनसाइड टिप मिली है। क्या 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 टिप है सर? तो टिप ये है कि इस बैटिंग सिंडिकेट का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मास्टरमाइंड सरगना मूसा आजकल दुबई से लखनऊ आया हुआ है। क्या बात कर रहे हैं सर, मूसा लखनऊ में है? हाँ, और शक्ल बदलने में माहिर। कौन है, कैसा दिखता है कोई नहीं जानता। हमें इंटेलिजेंस से उसके ठिकाने की खबर मिली है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि कितने जल्दी इस मिशन को पूरा करती हैं और उसको पकड़ती हैं। हमारा आपसे ये वादा है अगर ये मिशन कामयाब रहा तो आप जहां कहेंगी, जिस थाने में कहेंगी, आपको परमानेंट SHO बना दिया जाएगा। सर ये मिशन जरूर कामयाब होगा, हम जरूर कामयाब होंगे। और अगर आप नाकामयाब रही तो इसी महिला पुलिस थाने में टेम्पररी SHO बनकर रह जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मौके की कीमत को अच्छी तरह से समझेगी और इस मिशन को पूरी तरह से कामयाब करेंगी। सर शेर ना पिंजरे में सिर्फ पंजे मार सकता है, उसको खुला मैदान मिलेगा तभी ना वो शिकार करेगा। हम समझ गए करिश्मा सिंह, आपको हम पूरी आजादी देते हैं, आप जैसे चाहो इस केस को हैंडल करो। हमें किसी भी कीमत पे मूसा चाहिए। बस 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 सर, बस इतना ही सुनना था हमको। अब आप देखिए वो मूसा कैसे कानून के गिरफ्त में होता है। जय हिंद सर। जय हिंद। आखिरी बॉल पे चौका चाहिए, चौका मार। आउट है, आउट है, इस बॉल पे आउट है। चुप चुप चुप। चौका 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 चौका। तुम शर्त हार गए। शर्त पता है ना क्या है? क्या हुआ चीते? हार गया। ओ, तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? तुम तो हमेशा से हारते आए हो। मैच हार गया। अच्छा अच्छा मैच हार गया, तो खेल है, खेल में हार जीत तो होती रहती है, इसमें इतना मुंह लटकाने वाली क्या बात हो गई? नहीं 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 पुष्पा जी, मैच के हार जाने से ऐसा हाल नहीं है, बल्कि मैच पे शर्त लगाया, वो शर्त हार जाने के वजह से साहब का मुंह लटका हुआ है। तुम दोनों पुलिस होकर तुम तो खैर बिल्लू छोड़ो, तुम तो चोर हो, मगर तुम जीते, पुलिस होकर तुम शर्त लगाते हो मैच पर? नहीं 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 पुष्पा जी, पैसों वाला बेटिंग का शर्त नहीं, यहाँ तो ये शर्त थी कि जो हारेगा वो अपनी जान से प्यारी चीज, मतलब जिसने अपनी जान अटकी है, वो चीज एक दिन के लिए कुर्बान कर देगा। जैसे कि मेरी जान मेरे बिल्लू निवास में अटकी है, बस एक दिन के लिए मैं यूज नहीं करूंगा उसको। वैसे ही चीता जी की जान किस में अटकी है? संतोष जी में। तो अभी हार गए हैं तो संतोष जी के साथ पूरा एक दिन बात नहीं कर पाएंगे। चुप हो जाओ, क्यों बेचारे को इतना परेशान कर रहे हो? और जीते तुम भी क्या इसकी बातों में आ गए? नहीं पुष्पा जी, सच लगाए हैं तो लगाए हैं ना,
और जुबान दिए हैं तो दिए हैं जुबान, क्या कर सकते हैं। नहीं करेंगे संतू जी से बात 24 घंटा के लिए। मगर रह पाओगे तुम संतू से बात किए बिना पूरा एक दिन? पुष्पा जी, जय हिंद। जय हिंद। चीते, क्या हुआ, रो क्यों रहा है? बता दे मन की बात। मैडम, मैडम जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो। हाँ हाँ, हम आपकी मदद करेंगे। आप इतना जय हिंद। जय हिंद मैडम। जय हिंद। कौन है जी? मैडम सर, ये अभी भी आई हैं, कुछ बताया नहीं, इन्हें हमारी मदद चाहिए। अच्छा अच्छा, आप आइए, केबिन में बैठकर बात करते हैं। आइए। मेरा नाम नैन्सी, गॉड सब देखता है। जी हाँ, ऑफ कोर्स गॉड तो सब देखते हैं, लेकिन इस बात का आपकी समस्या से क्या कनेक्शन है? ये देखिए, लास्ट मंथ मेरा हस्बैंड मेरे को ये गिफ्ट दिया। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको रिंग पसंद नहीं आई तो आपके हस्बैंड को बोलो दूसरी दिला दे। इसमें पुलिस कंप्लेन करने की क्या जरूरत है? गॉड सब देखता। ये देखो मैडम, मेरे हस्बैंड ने मुझे अगले ही हफ्ते ये इयररिंग दिया और मेरे को ये नेकलेस भी दिया और उसके बाद ये सेल फोन भी दिया मेरे को। लेटेस्ट मॉडल, बहुत एक्सपेंसिव है, 1 लाख का तो होगा। पुष्पा जी, आपको ये भी पसंद नहीं आया? मुझे भेज दो, मैं 10,000 रुपए में खरीद लूंगा। मार्केट में इससे भी कम रेट मिलेगा। घर का मामला इसलिए ऑफर दे रहा हूँ। बिल्लो। पुष्पा जी, एक्सक्यूज मी मैम, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि आप दुनिया की पहली ऐसी वाइफ है जिन्हें हस्बैंड के गिफ्ट देने से प्रॉब्लम है। गॉड सब देखता है, परेशानी मुझे गिफ्ट से नहीं है मैडम, परेशानी तो मुझे उस सोर्सेस से है जहाँ से अचानक से मेरे हस्बैंड के पास इतना सारा पैसा आया कि वो मुझे इतना एक्सपेंसिव आइटम देने लगा। मैडम देखिए, हमारा एक छोटा सा बेकरी का शॉप है, यहीं पास में ही है। इतना कम लिमिटेड कमाई में ये सब कैसा पॉसिबल है कि मेरा हस्बैंड मुझे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा है? अगर ऐसा है तो आप अपने हस्बैंड से डायरेक्टली बात क्यों नहीं करती? आप उनकी पत्नी हैं, आप उनसे पूछ सकती हैं कि ये सब कहाँ से आ रहा है। मैडम मैं पूछा, हर बार पूछा कि इतना सारा पैसा तुम कहाँ से ला रहे हैं, लेकिन वो मेरी बात को हंसी मजाक में टाल देता है। मैडम मेरे को तो डर है कि कहीं ये इल्लीगल तरीके से तो नहीं कमा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं पुष्पा जी, सोच रही हैं कि नहीं सोच रही हैं? सोच रही हैं वो। भाई आप कुछ कह रही थी। मैडम अगर ब्रेड में ईस्ट की जगह नींबू मिलाएगा तो आप बताओ ब्रेड फटेगा ना? एंसी आप हमसे क्या चाहते हैं? मैडम मैं चाहती है कि आप मेरे हस्बैंड पे नजर डालें। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मेरे हस्बैंड पे नजर रखो, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। मैडम हमको ना ईमानदारी का 2 ब्रेड ही बहुत है, हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमको बेईमानी का कमाई नहीं चाहिए। काश कि आपकी जैसी सोच और ईमानदारी हमारे देश के हर इंसान में होती तो इस देश की हालत कुछ और होती। हमें खुशी है इस बात की कि आपने कदम उठाया इस तरह के गैर कानूनी शगल को रोकने का। नहीं नहीं मैडम, हमारे हस्बैंड का शक्ल गैर कानूनी नहीं है। इलीगल एक्टिविटीज, अगर ये इलीगल एक्टिविटीज हैं तो हम समझते हैं कि अपने पति के खिलाफ आकर ऐसा कुछ करना मुश्किल है। घबराई मत, वील गेट टू द रूट ऑफ इट। आपके पास अपने हस्बैंड का कोई फोटो है? जी दिखाइए प्लीज। क्या नाम बताया आपने इनका? विक्टर, विक्टर डिसिल्वा। करिश्मा सिंह, हम आप कहीं जा रही हैं? डीएसपी साहब ने आपको बताया नहीं? नहीं, इसलिए शायद आपको नहीं पता है। डीएसपी सर ने हमको एक मिशन दिया है, बैटिंग मास्टरमाइंड मूसा को पकड़ने का। वहां पे शूट आउट वूट आउट हो सकता है, गोलियां वोलियां चल सकती है, इसलिए हम पूरा तैयारी के साथ जा रहे हैं। गुड गुड। वैसे आपको देखकर लग रहा है कि आप मिशन पर नहीं, कोई लॉटरी जीत गए हैं, उसे क्लेम करने जा रहे हैं। हम बताएं, हमें पता है ये इतनी खुश क्यों है? पहली बार किसी मिशन पर अकेले भेजा जा रहा है ना।
ना कोई बंदेश, ना कोई अंकुश, ना कोई सीनियर और ना ही कोई ऑर्डर। बस खुले सांड की तरह जहां सिंह मारने का मन करे मार दिया। अब देखिए अपना पूरा भौकाल दिखा कर आएंगी। हाँ दिखाएंगे, कोई दिक्कत है आपको? और वैसे भी मिशन में ना गोलगप्पे खाते हुए गोलमटोल चेहरों को नहीं भेजा जाता है, वहां पे शेर को भेजा जाता है। और जो लाड लाड में आजकल आप भूल रही है ना कि हम आपके यहाँ सीनियर हैं, बहू नहीं, इस पे थोड़ा लगाम लगाइए, क्योंकि हम 2 मिनट लगाएंगे लाइन हाजिर करने में, दिक्कत आपको हो जाएगी। मैडम सर के सामने आप हमें धमका रही है। हाँ मगर हम आपको चेताने आए हैं, सुबह से हमारी दाई आंख फड़क रही है, मतलब जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। और आप अभी मिशन पर जा रही है तो अपना ये जो गर्म दिमाग है ना उसे काबू में रखिएगा मिशन पर, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। ऊंच नीच कैसे हो जाएगा पुष्पा जी, हम टोपा थोड़ी हैं, वो चीता बिल्ला है ना, वो हमारे साथ आ रहे हैं। करिश्मा सिंह आई श्योर आप अकेले जाएंगे, हम चले मदद के लिए? जी नहीं मैडम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानते हैं हम आप हम पे भरोसा नहीं करती हैं, पर डीएसपी सर हम पे बहुत भरोसा करते हैं और उनको लगता है कि हम ये केस अकेले हैंडल कर सकते हैं, इसलिए ये केस तो हम अकेले ही हैंडल करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, आपका मिशन आपका डिसीजन, जाइए। हम आपको एक मिशन के लिए ही बुलाना चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम संतोष के साथ मिलकर हैंडल कर लेंगे, आप ये संभालिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम सर। ध्यान रखना। वो तो हम रख लेंगे पुष्पा जी। नहीं नहीं, चीते और बिल्लू का आप तो अपना रख ही लेंगी ध्यान, वैसे आप भी अपना ख्याल रखना। आप काहे इतना टेंशन लेती है पुष्पा जी, आपके लल्ला भी रखे थे ना करवा चौथ का व्रत, ऐसे कवच बन गया है, चारों तरफ हमारे साथ जाएंगे, हमें कुछ नहीं होने देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। चेंज कर ले हम। कुछ मदद चाहिए आपको? हाँ मतलब... संतू को बुला लीजिएगा। इकबाल हम तीनों ने जो डिसीजन लिया ना, अब भाई एकदम पक्का ना पक्का ना पक्का सही डिसीजन लिया, बता रहे आपको। अपोजिट टीम पे जो लगाया गया एकदम बेवकूफ आदमी होगा वो। ए, क्या बोले? इतना गुस्सा क्यों हो रहा? ऑल द बेस्ट मिशन के लिए, ऑल द बेस्ट चीते। थैंक यू। ए चीते थैंक यू बोल, थैंक यू बोल, बोलो बोलो यार। चीते तुझसे बात कर रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू? रो रहा हूँ मैं, बहुत जोर से रो रहा हूँ मैं। चीते क्या हुआ, ऐसे ये बात क्यों नहीं कर रहा है मुझसे? एटीट्यूड। ये क्या हुआ है ना, करिश्मा मैडम के साथ बड़े मिशन पे जा रहा है ना, तो एटीट्यूड आ गया है। हमें देखिए, हम भी जा रहे हैं लेकिन हमें बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है, हम तो डाउन टू अर्थ हैं। अरे गिर जाओगे। हाँ हाँ हाँ। और ये गुब्बारे की तरह है, जरा सी हवा भरी के फूल गए, और हम पैराशूट की तरह खोलती भी देर से है, बंद भी देर से होते हैं। Quality difference, you know? चीते, नहीं कर रहा मुझसे बात। चीते सोच ले, last time पूछ रही हूँ, नहीं कर रही बात। ठीक है, चैतेश्वर चतुर्वेदी, मत करो बात। लाइफ में कभी बात नहीं करूंगी तुमसे। ठीक है, go to hell, भाड़ में जा। मैं जा रही हूँ मैडम सर के साथ मिशन पे, okay? किस बात का जी? ऑल द बेस्ट मैन, धन्यवाद सर। क्या बोल रहे थे तुम लोग? हेल हेल। क्या बोल रहे थे? हेल। क्या बोल का? या मजाक मजाक मजाक। तैयार है दोनों? हाँ 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 मैडम। पक्का? हाँ हाँ। बताओ भाई। संतोष गाड़ी रेडी है ना? रेडी मैडम सर। ये? हाँ वो डिपार्टमेंट से गाड़ी मिली नहीं और कैब अवेलेबल नहीं थी इसलिए ये। अच्छा ठीक है चलो। जय हिंद मैडम। चिंता मत करिए मैडम, 30 के ऊपर नहीं चलाएंगे हम। देखिए हम जो स्पीड कहें अगर उस स्पीड पर नहीं चलाए तो अभी के अभी लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। नहीं मैडम, अब 30 का 300 भी चलाएंगे मैडम, आपका हुक्म सर, आंखों पे आइए बैठ। चलिए 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 बैठ। हिलना बंद करो। ये क्या कर रहे हो? खुद को देख रही हूँ मैडम सर। वो हमें देख रहे हैं लेकिन ऐसे क्यों देख रहे हो? मैडम सर एक बात बताइए मुझे, क्या मेरे चेहरे पे कील मुहासे या पिंपल कुछ दिख रहा है क्या? दिखाओ तो। देखो थोड़ा इधर करो। हाँ एक हा? नहीं मैडम एक भी नहीं दिखा। मैडम सर
ये चीता ना कोई और रीजन की वजह से मुझसे बात नहीं कर रहा। काम पर जरा ध्यान देंगी आप? हम विक्टर पे नजर रखने आए। सॉरी। जल्दी करो, जल्दी करो। मैं मैडम जीतने वाला हूँ। तो बाद में खेलना, पहले चलो अभी। चलो जल्दी, चलो, 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 चलो। ये कहाँ आ गए हम ये साथ चलते चलते। अरे तो गाना है ना, तो खुल के गाओ ना, इसे दब के काहे गा रहे हो, गाना गाओ खुल के। अरे चीते, मैं मैडम से पूछ रहा हूँ कि यहाँ खड़े खड़े चोरों की तरह क्या कर रहे हैं हम। चोरी हो तुम। था, था, था। चुप कर, तो बाकी के दोनों की दोनों। इंटेलिजेंस से हमको खबर मिला है कि मूसा यहाँ बड़े अमाउंट का कैश कलेक्ट करने आने वाला है, समझे तुम दोनों। मैडम जी जब खबर कंफर्म है तो रुके क्यों, चलिए चल के धावा बोलते हैं अभी। अम्मा तुमको किसने पुलिस वाला बना दिया, उसका नाम बताओ हमको। थावा बोलते जाके पहले कंफर्म करे नहीं करे जा कि वो सारे समोसा का मूसा यहाँ पे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्ले दिखाओ आज तुम कितना बड़ा सिपाही हो, जाओ जाके पता करो वो मूसा अंदर है कि नहीं। मैं और कौन तुमसे क्या, तुम्हारे साथ यहाँ पे सेल्फी खिंचाने आए हैं हम। जाओ जाके पता करो वो मूसा अंदर है कि नहीं, जाओ जल्दी जाओ। नहीं नहीं मैडम, लेकिन मैं मूसा को पहचानता नहीं तो कैसे उसको जाके मिलूंगा। उसको कोई नहीं पहचानता, उसको किसी ने नहीं देखा है, लेकिन तुम्हारा बिल्लू दस पाए वाला दिमाग है ना, वो पहचान जाएगा उसको। जाके लगाओ अपना दिमाग और जाओ अब। जाओ जाओ जल्दी जाओ। जाओ 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 जाओ। मैं जाऊंगा अंदर लेकिन बोलूंगा क्या, मूसा का मौसा आया है समोसा लेकर। ऐसी बिल्ला बिल्ला वो इलेक्ट्रिक बोर्ड देख रहे हो, स्विच जाके बंद करो अभी, जल्दी जाओ। मैडम 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 टेंशन मत लीजिए, अरे इससे इसे पापी को तो खंभा भी पकड़ के नहीं रखेगा, बोले थाना नहीं रखेगा। अरे हमारा दिल बहुत बड़ा है मैडम, हम लोग थाना में जगह दिए हुए हैं इसको, इसको कोई नहीं रखेगा। हेलो कृष्णा, हाँ मैं पहुंच गया हूँ। जाओ जाओ जाओ। क्या ये बच्चे की आवाज कहाँ से आई? इधर मैं बोल रहा हूँ। आप बोले? अच्छा कौन है आप? मैं बिजली विभाग से आया हूँ, बिजली की कंप्लेंट आई है आपकी तरफ से। तो जल्दी, अभी अभी तो फोन किया था। हाँ हाँ, हमारा बिजली विभाग बिजली की गति से काम करता है। हाँ, चलो आता। अरे बिजली नहीं तो फैन कैसे चल रहे? अरे वो इन्वर्टर पे कुछ पंखे और फैन चलते रहते, चलो चेक कर लो। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, वो 10 मिनट में हो जाएगा बस। अच्छा हाँ ठीक है। वाव, इतने लैपटॉप, फोन्स, मोबाइल्स, बिजी पर्सन। तुम जल्दी जल्दी अपना काम करो और जल्दी से जल्दी निकल जाओ। उधर वो कमरा है ना, उसकी वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। जो भी करना है इधर ही करना, दूसरे कमरे में नहीं जाना है। ठीक है, तो रहो गर्मी में, मुझे क्या, मैं जाता हूँ। रुको रुको, मैं लेके चलता हूँ। हाँ चलो चलो चलो। मूसा भाई बाहर आओ, इलेक्ट्रिशियन वाला है। मतलब मूसा इधर ही अच्छी थे, आज तो ये पक्का पकड़ा जाएगा देखना।
मैडम सर। ये मैडम सर यहाँ क्या कर रही हैं? फोन काट। अरे अंदर क्यों? जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तू पुलिस के साथ है? नहीं नहीं नहीं। बच्चा? बच्चा बोला? संतोष जी, संतोष जी, इधर से बोल। बिल्लू जी आप क्या बोल रहे हो ये? बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। क्या बोल के दिखाओ? अल्लाह। संतोष तुम बाहर जाओ, बाहर जाकर सबको चेक करो। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? हम यहाँ विक्टर का पीछा करते हुए, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो मिशन पर है ना मैडम सर, मूसा को पकड़ने आए हैं। गन नीचे, आगे नहीं बढ़ना, कोई भी गोली चला दूंगा। अब ठीक है? हाँ ठीक है, हम ठीक है। मैडम हमें मत पकड़िए, हम नहीं है मूसा, मूसा पीछे के दरवाजे से भाग गया है। भाग गया मूसा भाई, भाग गया। हवा है, हवा किसी के हाथ में नहीं आएंगे।